फैमिली कम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारे इधर गंगौर का त्यौहार आने वाला है, तो हमारे घर में ना उसके पहले ना साफ सफाई होती है, तो हमारे घर में साफ सफाई होने चालू हो गई है। मेरे घर तो अब भी घोर सुधार रहे हैं, लेकिन मेरे बड़े पापा के ना साफ सफाई घोर सुधार रहे हैं। देखो और अभी सुधारने बाकी है। वैसे तो देखो ये मेरा मिनी गार्डन है, यहाँ पे ये फूल नहीं आ रहा है अभी। ये सरमिली प्लांट है, अब पता चला इसे सरमिली प्लांट क्यों कहते हैं। फिर ये ग्वार फाटा, ये फूल और ये एक फूल। और अभी ना शाम के बच रहे हैं 5:30, और अभी गर्मी के मौसम में देखो हमारे घर बारिश हो रही है। ये तो बिन मौसम बारिश है, ये इसे बोलते हैं गरीबी में अटक गिला। देखो बारिश फैला दिया है उन्हें। अब हम साफ करेंगे, बहुत सा सामान निकला है। और ये भी अलमारी साफ है, ये भी खाली कर दी है, ये भी खाली कर दी है। तो अब हम करेंगे साफ सफाई, स्टार्ट करते हैं। और अब मुझे थोड़ी सफाई करने दो, मम्मी मुझे मारेंगे। कुछ तो करने दो मुझे, चलो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय। काम कर रही थी वो, मेरा भाई मेरी वीडियो बना रहा था, कि उसने ही बोला कि ले दीदी मैं वीडियो बना लेता हूँ। नहीं नहीं अब उसे अच्छा मत समझो, क्योंकि उसे पता है वो वीडियो नहीं बनाएगा तो उसे काम करना पड़ेगा, इसलिए उसने बैठे बैठे मेरा वीडियो बनाया करा वो।
दिमाग ही, भाई किसका है आखिर, मेरा ही है, मेरा ही है। और गाइस ये देखो हमने पूरी साफ सफाई कर ली है, और देखो हमारी दुकान कितनी औसम दिख रही है, पूरा एकदम सिस्टोमेटिक जमा दिया है। अब फाइनली लग रही है कि ये मेरी दुकान है। मैं ना दुकान की साफ सफाई करके आ गई हूँ और दुकान एकदम खास दिख रही है, तो अब ना हम घर की साफ सफाई चालू करेंगे। स्टार्टिंग करी हमने पर्दों से, जितने पर्दे हैं सोफा कवर से सभी हमने धोए, सॉरी मैंने धोए मतलब मम्मी धो रही थी। मैंने खाना बनाया है, दाल बनाई है और थुली बनाई है। गाइस मुझे खाना बनाते आता है, ठीक है ना। तो मैंने अभी खाना बना लिया है, अब मैं नहाने जाऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग तो मैं जैसे ही दुकान से अंदर आई तो मैंने देखा कि मम्मी ने सब नीचे फैलाया हुआ है सामान, पूरे बर्तन पूरा कचरा नीचे फेंक दिया है। तो मुझे पता चल गया था मम्मी स्टार्टिंग हो गई है साफ सफाई करने के लिए, तो अब मुझे भी काम पे लग जाना चाहिए। जाऊंगी सेल्फ पे, यहाँ से जाऊंगी और ऊपर की साफ सफाई करूँगी। ये पूरा सफाई करना है और ये तो ठीक है, फिर ये बर्तन भी धोने पड़ेंगे इतने, फिर ये कमरा साफ करेंगे। और मेरी फूटी किस्मत से मैं आज वीडियो बना रही थी और आज ये लाइट बंद थी। आज पूरी साफ सफाई होने के बाद 12 बजे लाइट आई थी और जब तक तो पूरा काम ही हो गया था। और फिर ये अखबार देख के मेरी मम्मी पूछने लगी 2024 का कौन सा है, तो फिर मैंने देखा इसमें 2024 का, बाकी सब 21 तक के थे, 21, 22, 23 के फेंक दिए और 24 का वापस टांग दिया ऊपर के भी उससे काम है। मैं फिर यहाँ पे सेल्फ के ऊपर चढ़ गई और फिर मैं साफ सफाई करने लगी। मैंने मम्मी बोला मम्मी वीडियो आप बनाओ, मैं काम कर रही हूँ। तो मैं झाड़ू लगा दी गई और मम्मी वीडियो लेते गए और मुझे ये साफ सफाई करने में बहुत मज़ा आ रहा था। अभी तो ये पूरा सेल्फ साफ करना है, अभी तो ये शुरुआत है, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं बात कर रही थी कि मम्मी झूला कब लगाएंगे, क्योंकि मेरे घर झूला भी ले लाने वाले हैं, हम झूला भी लगाएंगे और फिर झूला झूलते हुए मस्त टीवी देखेंगे। और अभी ये पूरा सेल्फ साफ करना है। बर्तन सब धोएंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी नहीं लगी हो फिर भी सब्सक्राइब करिएगा। अभी स्टार्टिंग है इसलिए आपको ऐसी लग रही होगी, बाकी मैं आगे और भी बेटर करूँगी, बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। और अभी तो साफ सफाई हो रही है, अभी बर्तन धो दें फिर हम देखते हैं अब आगे क्या कर। और ये सभी बर्तन धो रहे हैं मम्मी। मैंने बर्तन धो दिए और मैं जमा रही हूँ।
बिकॉज ये गीले बर्तन है और गीले बर्तन को हमेशा उल्टे जमाना पड़ता है ताकि वो जल्दी सूख जाए, और जैसे ही सूख जाएंगे वैसे हम वापस इन्हें वापस सेल्फ पे जमा देंगे। और फिर हमने साफ सफाई करी तो इतना कचरा निकला कि हमें भंगा वाले को बुलाना पड़ा। और ये कूलर जो अभी टूटे फूटे हैं क्योंकि हमने नया कूलर ले लिया है, तो ये भी जो बिगड़े हुए हैं ये दे दिए थे। और हम यहाँ पे जेठालाल देख रहे थे कि सुबह लाइट बंद थी, अभी फिलहाल में लाइट आई है और हमने जेठालाल चालू कर ली है। और फिर काम करके मैं इतना सिर दर्द होने लग गया, फिर मैंने चाय बना ली। मैंने यहाँ पे पूरी चाय तैयार कर दी थी, वो बस बन रहे थे। और यहाँ पे चाय तैयार हो गई है, सिर्फ कप में ये गालनी है। और ये चाय ले आई थी मैं प्लेट में, और मैं ये जेठालाल देखते मजे से चाय पी रही थी जिसे मुझे बहुत मजा आया पीने में। The next morning. और फिर अगले दिन भी जैसे मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि वापस एक दूल्हा दुल्हन आ गए हैं और वो कुछ बात कर रहे हैं कि इधर चले कि इधर चले। मैंने बोला कि हाँ इधर ही आ जाओ। इन्हें देखकर मुझे मेरे बचपन की याद आ गई कि हम पहले ऐसे ही खेलते थे और घर पे घर घर जाते थे पैसे मांगने, मजा आता था। पैसे दे दिए और फिर फोटो भी खिंचवा ली। और जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे घर की साफ सफाई चल रही है, तो अब हम किचन पे थे, किचन का सामान सब नीचे निकाल दिया है। अब हम इन्हें धोएंगे सुखाएंगे और वापस जमाएंगे और पूरी किचन को भी साफ करेंगे। और ये पूरा हॉल घर तो साफ हो ही गया है। और यहाँ पे मम्मी मुझे बर्तन दे रहे थे ऊपर से और नीचे जमा रही थी। मुझे आवाज़ म्यूट करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत ही बर्तनों की आवाज़ आ रही थी और टीवी की आवाज़ भी आ रही थी और मेरे घर के सब बच्चे कल्ला कल्ला करते थे, इसलिए मुझे म्यूट करनी पड़ती है और फिर ऊपर से वॉइस डालनी पड़ती है। मम्मी तो बाहर काम कर रही है तो मुझे निकालना पड़ेगा ये डब्बा। मेरी मम्मी ऊपर इसके ऊपर चढ़ के निकलती है, मेरे तो यहीं से हाथ पड़ जाते हैं। इतनी लंबी कैसे हो गई यार, मैं क्यों हो गई, जॉब छोड़ दूँ। बर्तन धो रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी, फिर मम्मी बोले कुछ काम कर ले बेटा। फिर मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, बोलने में आएगा कि मैंने भी काम किया था, इसलिए मैं डब्बों को लेके बैठ गई थी साफ करने के लिए। यहाँ पे मैं बर्तन को साफ कर रही हूँ और अभी रूम पर आने वाली है, सबसे अच्छी वीडियो चाहती रहूँगी, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा कि आपके पास मेरी वीडियो आती रहें। आपको एक एक चीज बताऊंगी कि हमारे गांव में कैसे बनाते हैं रंगों का त्यौहार, क्या क्या होता है, कैसे करते हैं। पहले दिन से आखिरी दिन तक 3 दिन की रहती है, मैं 3 दिन का आपको बताऊंगी क्या क्या होता है और मैं क्या पहनने वाली हूँ, किससे मेकअप करूंगी, उसका वीडियो पता चल जाएगा। बर्तन तो सब साफ कर दिए थे, अब बारी थी पिंजरे की, तो पिंजरे मम्मी ने धो दिया था, मैं बस्ती पर सूखे कपड़े साफ कर रही थी। कितनों के घर साफ सफाई हो गई है कमेंट में बताइएगा। अब जितने बर्तन हैं वो सूख गए हैं और हमने सब जमा दिए हैं, बाकी सूख रहे हैं अभी 10 मिनट में वो भी जमा देंगे, बाकी पूरे सब डिब्बे जमा दिए हैं। सो फाइनली मेरे घर की साफ सफाई हो गई है और ये किचन ये भी पूरा डन हो गया है। बस यहाँ पे एक अलमारी है जो धो दी है, वो सुखाएगी जब यहीं पर रख देंगे। 5 मंदिर भी हमने धो दिया है, हमारे मामा मंदिर जो है वो यहीं पर रखा जाएगा, तो हो गया है। और यहाँ पे हॉल की भी साफ सफाई हो गई है पूरी तरह से, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये हॉल और कितना मस्त लग रहा है, तो पूरा सिस्टमेटिक हमने जमा दिया है। मिरर बिकॉज आई एम ब्यूटीफुल। सो मैं आपको मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा प्लीज़ यूट्यूब फैमिली। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।